बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरा लंबा चौड़ा तारुफ़ जो है मुझे हमेशा कन्फ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसके बाद उन तवक्कुआत पर जो आप लोगों की मुझसे वाबस्ता हो जाती है उन्हें पूरा करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल आई विल ट्राई टू मीट। आप में से कुछ लोग यकीनन मेरे पिछले सेमिनार में भी होंगे, वो ज़रा मुझे बताएंगे कौन लोग थे जो मेरे पिछले सेमिनार में भी थे? 7-8 लोग थे, ठीक है, थैंक यू जी। मैं अपने हर सेमिनार में, सेमिनार के आगाज़ में अपनी लाइफ का एक वाकया ज़रूर बताता हूँ। जिन लोगों ने पहले मेरा सेमिनार अटेंड किया है उनके लिए वो रेपिटेशन हो जाएगी, उनसे माजरत, बाकी सबको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा वो वाकया। हर इंसान किसी न किसी वक़्त में अजीब व गरीब किस्म की, वो बेवकूफ़ाना किस्म की सोचें उसके जहन में आती हैं। तो मैं भी जो उस दौर को अपने अय्याम जहलियत का दौर कहता हूँ, कि मेरा एक अय्याम जहलियत का दौर था जिसमें मैं कोई अजीब व गरीब किस्म की सोचों का मालिक था। तो उनमें से एक सोच ये थी कि दुनिया का निज़ाम मैं चलाता हूँ। सॉरी, मुझे साथ फ्लू हुआ है, आपको इसी लहजे में मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल था कि दुनिया का निज़ाम मैं चलाता हूँ, मेरा शहर का निज़ाम मेरी वजह से चलता है। अगर मैं होऊंगा तो मेरा घर चलेगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरा शहर तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं समझता था कि मेरा होना बेहद ज़रूरी है। मैंने 2-3 साल बड़ी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि मैं दुनिया का निज़ाम ऐसा चला दूँ जैसा मैं समझता हूँ कि मैं चलाता हूँ। लेकिन 2-3 साल की एफ़र्ट्स के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी पोजीशन, मेरा मकाम इस दुनिया में एक हकीर से पुर्जे से भी कमतर है। मैं इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकता। मेरा होना या ना होना इतनी बड़ी दुनिया में कि ऐसा मैटर नहीं करता। अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरा घर फिर भी चलेगा, कोई और तरीका, कोई और वसीला बन जाएगा। मैं नहीं होऊँगा तो मेरा इदारा किसी और बंदे को ले लेगा। मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान में मेरे अलावा भी कई लोग हैं। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे घर का, मेरे शहर का, मेरे इदारे का, मेरे मुल्क का या इस दुनिया का निज़ाम मेरे बगैर भी चल सकता है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद अपने हर सेमिनार में, हर वर्कशॉप में, हर मीटिंग में मैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर दूँगा, क्योंकि दुनिया का निज़ाम मेरे बगैर भी चल सकता है। तो आप में से भी जिस जिसके बगैर दुनिया का निज़ाम चल सकता है, वह अपने अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें। इसे साइलेंट नहीं करना आता, वो अपने साथ वाले से सीख ले, क्योंकि ये सीखने सिखाने की क्लास है। तो आज हम चले यही सीख ले कि दुनिया का निज़ाम जो है वो हमारे बगैर कैसे चलेगा और फोन साइलेंट कैसे होगा। तो अगर नहीं आता तो साथ वाले से सीख लें।